हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप मोल कंसेप्ट के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक में जाने से पहले हम समझ लें कि ये मोल है क्या। तो देखो, बहुत सिंपल है। आप मोल के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर मैं ऐसे रिलेट करता हूँ उसको, डजन के बारे में सब लोग जानते हैं। व्हाट इज डजन हियर, कि अगर कोई भी आपको बोलता है वन डजन तो सीधे आपके माइंड में क्या पिक्चर आता है कि उसमें 12 पीस होंगे। तो भाई, जो डजन है वही तो मोल है। और वो कैसे, बहुत सिंपल। वन मोल में क्या हो गया, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बच्चों का फिर वहाँ पे क्या होता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे वन डजन में 12 पीस आपके माइंड में आता है, वैसे ही आज से वन मोल बोलते ही आपके माइंड में कितना आना चाहिए, 6 × 10³ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर ये चीज़ें कहाँ पे यूज होती है, मैक्रो लेवल पे, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और ये चीज़ जो है वो माइक्रो लेवल पे बहुत ही स्मॉल, लाइक एटम निकालना हो, मॉलिक्यूल्स निकालना हो, आयंस निकालना हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी आँखों से दूर होती है, इसलिए हमारा माइंड जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बट अगर आप ऐसे सोचें कि जो डजन है वही मोल है, ध्यान दे, बोथ आर मेजरिंग क्वांटिटी, तो डजन बोलते ही आपके माइंड में मोल आना चाहिए और मोल बोलते आपके माइंड में डजन। अगर दोनों को आपने रिलेट कर लिया तो जैसा इसका कैलकुलेशन करते हैं वैसा इसका करेंगे और आपके क्वेश्चन आराम से होंगे। नाउ ये जो 6 × 10³ है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं और इसको NA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यू नो कि इसमें 6.023 होता है, बट कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हमने 6 × 10³ लिया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो मोल है उसी का दूसरा नाम ग्राम एटम है। ग्राम डैश एटम करके लिखा होगा कहीं पे, तो वो मोल को ही कहना चाह रहा है। मोल का ही दूसरा नाम ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम आयन है। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है तो डायरेक्टली इसका मतलब है कि आपको मोल गिवन है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि डजन ही मोल है। जैसे वन डजन में 12 पीस है, वैसे ही वन मोल में 6 × 10³ पार्टिकल्स हैं। पहले ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने लिखा है मोल, डैट इज नथिंग बट आपके माइंड में ऑलवेज मोल बोलते क्या आना चाहिए, एक दूसरा वर्ड डजन। जो मोल चीज़ है वही डे टू डे लाइफ में हमारे लिए डजन है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में वेट या मास गिवन है, ध्यान दे, केमिस्ट्री में वेट या मास एक ही बात है। तो अगर आपको जिसका मोल्स निकालना उसके मास या वेट गिवन है, तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट से। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट से, और मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर देंगे गिवन वेट में, तो यू विल गेट मोल्स। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में अब हम कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू गिवन वेट इन ग्राम, ध्यान रहे ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल होगा तो, एटॉमिक वेट अगर एटम होगा तो, यू विल गेट मोल्स। सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम गिवन है एट STP, तो STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डैट इज फिक्स है। टेम्परेचर हम 0°C, डैट मीन्स 273 केल्विन लेते हैं, और प्रेशर 1 atm लेते हैं, लेकिन जो अभी स्टैंडर्ड है वो 1 bar माना जा रहा है। इसकी वजह से वॉल्यूम अब हम कितना लेते हैं, 22.7। आप 22.4 भी ले लोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो वॉल्यूम जो गिवन होगा STP पे, ध्यान रहे कि वॉल्यूम शुड बी एट STP, और वो लीटर में लेना है। सो डैट 22.7 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट मोल्स। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.7। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर, डैट इज 6 × 10³ से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको मिल जाएगा फिर से क्या, मोल्स, जिसको मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय NA एवोगाड्रो नंबर। और कभी कभी यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर आपको मोलारिटी, डैट इज कैपिटल M × वॉल्यूम अगर गिवन हो लीटर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो यू विल गेट मोल्स। तो ध्यान दें कि अगर मास गिवन है तो एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड है। वॉल्यूम गिवन है STP पे तो भी डिवाइड करना है, 22.7 से एक फिक्स नंबर है। पार्टिकल्स गिवन है तो एक फिक्स नंबर 6 × 10³ से डिवाइड करना है, तब मोल्स मिलेगा। लेकिन मोलारिटी गिवन है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, और
डैट मीन्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर तो यू विल गेट मोल्स। तो पहले हमें एक आइडिया आ गया कि चार तरीके से हम मोल्स निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ये यूज होगा, उसके बाद यहाँ भी यूज हो सकता है, उसके बाद ये यूज होते हैं या फिर ये यूज होंगे। तो चार तरीके हैं मोल्स निकालने के। एक बार हमें मोल आ गया तो अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं देने जा रहा हूँ ट्रिक। नाउ अब मैं बात करता हूँ ट्रिक्स की। तो ध्यान से देखो कि ट्रिक्स का पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो मैंने कैपिटल लेटर में ले रखा है ए बी, वो आपका रिएक्टेंट होगा। मैंने इन जनरल एक रिएक्शन को एज्यूम किया हुआ है। तो ए बी हमारा रिएक्टेंट है, डी ई मेरा प्रोडक्ट है, जो स्मॉल लेटर हैं ए बी डी ई जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वो हमारे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। डैट मीन्स जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे जो नंबर आएंगे वो हैं। और ये जो मेरा एक्स वाई है ये गिवन मोल है, जो क्वेश्चन में मोल्स दे देगा या फिर मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया, मोलारिटी दे दिया। तो कैसे मोल्स निकालेंगे फाइनली आपको पहले मोल्स में लेके आ जाना है। नाउ उसके बाद अगर हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, डैट मीन्स ए का भी मोल्स गिवेन है, बी का भी, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो उसका भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और मोल का भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो उसके लिए एक वेरी सिंपल ट्रिक है कि आपको जो मोल गिवेन है, ध्यान दो, आपको जो मोल गिवेन है एक्स वाई, उसको आपको डिवाइड कर देना है जिसका मोल्स गिवेन है उसके स्टॉइकोमेट्री से, उसके आगे के नंबर से। इसलिए मैंने ध्यान से देखो दिखाया है, ए का मोल अगर एक्स है तो एक्स को मैंने डिवाइड किया उसके स्टॉइकोमेट्री से, वैसे ही बी का मोल्स अगर वाई है तो वाई को डिवाइड किया उसी के स्टॉइकोमेट्री से। ध्यान दे, जिसका मोल्स गिवेन है, जिस रिएक्टेंट का मोल्स गिवेन है उसके मोल्स को उसके ही स्टॉइकोमेट्री, मतलब उसके आगे के जो बैलेंसिंग वाले नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, स्मॉल कौन है। तो मैंने सपोज किया कि ये वाला स्मॉल सीरीज पे स्टार दिया है, वो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में स्मॉल कौन है। अगर सपोज करते हैं कि y by v इज स्मॉल, तो जो स्मॉल होगा, जो लेस होगा, वही आपका लिमिटिंग रीजेंट हो गया। डैट मीन्स जो आपका रिएक्टेंट बी है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आ गया। नाउ अब हमें इन सब के मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे या इनके कितने मोल्स बचेंगे उसको कैसे करेंगे। तो जो आपको y बाई बी जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, जिसको आपने डिवाइड करने के बाद कंपेयर किया कि यही लेस है, तो अब क्या करना है आपको, इस y बाई बी को सम में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, e के सामने भी हमने y बाई बी लिखा, d के सामने भी y बाई बी लिखा, b चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट था ये तो कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए जीरो, और इसके सामने भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y बाई बी। नाउ द क्वेश्चन इज कि करना क्या है, जो आपको मोल्स गिवन होगा उसको उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड करके उनमें कंपेयर कर लेंगे कौन कम है, जो कम है उसको सम में नीचे में लिख देना, डैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देना। और क्या करना है, जो इसका स्टॉइकोमेट्री है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपको मोल्स ऑफ ई फॉर्म्ड आ गया। वैसे ही अगर मुझे डी का निकालना होगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो लेस आया है वो नंबर सम में मल्टीप्लाई होंगे इनटू जिसका मोल्स निकाल रहे हो उसका स्टॉइकोमेट्री, उसके आगे का नंबर। ध्यान से देखो तो ये आ गया, ये तो जीरो ही हो गया। अब इसका अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो वो मोल्स है जो रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने, तो लिए थे आपने कितने एक्स, तो बचा कितना एक्स माइनस ए इंटू वाई बाई बी। तो ये ट्रिक को अच्छे समझो, अभी मैं इसका एप्लीकेशन की बात करूंगा। अगेन आई एम टेलिंग वेरी सिंपल, जो मोल्स गिवेन होंगे उसको डिवाइड करना है उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, फिर उन दोनों में जो लेस होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसी लेस वाले को सब में मल्टीप्लाई कर देना है, और जिसका मोल्स निकालने जा रहे हो उसको उसके स्टॉइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो y बाई बी अगर मेरा लेस है तो मैंने सम में y बाई बी लिखा और इसका स्टॉइकोमेट्री e था तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो e के कितने मोल फॉर्म्ड हुए, ये आ गया।
वैसे ये डी के कितने मोल्स फॉर्म्ड हुए ये आ गया, और यहाँ पे चूंकि ये रिएक्टेंट है इसके मोल्स कंज्यूम होंगे तो कितना बचा लेफ्ट, कितना हुआ, तो इतना तो रिएक्ट हो गया ए इंटू वाई बाई बी, लिया था हमने कितना एक्स, तो एक्स माइनस दिस ये जो भी नंबर आएगा ये लेफ्ट है, और ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ख़त्म हो गया, तो ये जीरो हो जाएंगे। अब सबके मोल्स आ गए तो फिर इससे आपको दूसरा चीज़ पूछा जा सकता है, मोल्स पूछ लिया तो ए आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास पूछ लिया तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम पूछ लिया तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी आप जो पूछेगा एक बार मोल आ गया तो फिर सब कुछ आ चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 3a plus 2b gives you 5c plus 6d। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको 6 मोल्स ऑफ a गिवन है और 8 मोल्स ऑफ b, तो आपको पूछा जा रहा है कि c के मोल्स कितने होंगे एंड d के मोल्स कितने होंगे। देखो मेरे सिंपल ट्रिक से आप कैसे करोगे, हमने आपको क्या बताया था कि जो मोल गिवन होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकोमेट्री से, तो ये 6/3 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो 6/3 आपका कितना हो गया 2 और 8/2 कितना हो गया 4, तो आप देख सकते हो इन दोनों में स्मॉल कौन है, स्मॉल हो गया आपका ये। तो अगर मुझे इसका मोल्स निकालना है सी का, तो डायरेक्ट ये नंबर 2 और इसका स्टोइकोमेट्री 5, तो कितना हो गया 10 मोल्स आंसर आ चुका है। वैसे अगर मुझे इसका निकालना होगा तो ये 2 सम में मल्टीप्लाई होंगे और इसका स्टोइकोमेट्री 6, तो कितना हो जाएगा इसके 12 मोल्स इसके बनेंगे, वेरी सिंपल। इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि वो तो लिमिटिंग रिएजेंट था ख़त्म हो गया। अब इसका बी का क्या पूछा जाएगा कि कितना मोल्स बना बचा और कितना मोल्स रिएक्ट हुआ, तो अगर रिएक्ट हुआ की बात करेंगे तो सेम वाई पॉइंट 2 इंटू इसका स्टोइकोमेट्री 2, तो 4 मोल्स तो क्या हो गया ये रिएक्ट हो गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि बचा कितना, तो मैंने लिया था कितना 8 मोल्स, तो क्या करूँगा 8 माइनस दिस, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट मोल्स। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने लिया है कि H2 के 8 ग्राम O2 के 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर के कितने मास प्रोड्यूस होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत, मास में कभी भी सॉल्व नहीं करना, ऑलवेज आपको मोल्स में सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग कि ये ट्रिक तभी अप्लाई करना है जब आपके रिएक्शन बैलेंस हो, यहाँ पे आपके रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है इधर 1 ऑक्सीजन है, तो पहले आप बैलेंस करो, तो इधर 2 है तो इधर 2 लगाओ और यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हो गए बैलेंस, ये मास गिवन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका एक स्टेप और बढ़ा दिया, तो पहले आप मोल्स निकाल लें इसके, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 8 बाय इसका मॉलिकुलर वेट 2, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 4, और इसका 64 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट 32, तो इसके मोल्स हो जाएंगे आपको 2। ध्यान दें कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 कर देते हैं, वो नहीं करना, ये जो नंबर आ रहे हैं ये आप लेके आ रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, मॉलिकुलर वेट इज फिक्स, तो हमने मॉलिकुलर वेट से डिवाइड किया है। तो कहने का मतलब एक स्टेप कैसे बढ़ गया कि अगर ये आपको 4 मोल दे देता और ये 2 मोल्स दे देता तो फिर आप इजीली कर लेते। अब आपको क्या करना मालूम है, एक स्टेप आपको करना है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 करना है और 2 डिवाइडेड बाय इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो ये करना है, तो ये 4/2 कितना हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2, तो दोनों सेम आ गए, तो फिर इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, डेट मीन्स रिएक्शन 100% आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, इन द सेंस दोनों ही कम्प्लीटली रिएक्ट हो जा रहे हैं, तो दोनों ही जब सेम आ जाए तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इसका निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ, इन दोनों में दोनों सेम ही है तो 2 इंटू इसका स्टोइकोमेट्री 2, तो कितना आ गया 4 मोल्स आ गया, लेकिन आपको मोल्स नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है कि इसका कितना मास होगा, तो हम ऑलवेज पहले मोल्स निकाल लेंगे, चूंकि 4 मोल है तो यू नो कि मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 मोल का मास कितना हो जाएगा वाटर के 18, तो 4 इंटू 18 मतलब 72 ग्राम प्रोड्यूस होगा आपको। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि अगर N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 दे रहा है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि N2 के 8 मोल लिया और H2 के 6 मोल, तो NH3 के कितने मोल्स मिलेंगे,
तो अगेन अभी आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते उस ट्रिक से, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे टू करना पड़ेगा, हाइड्रोजन सिक्स हो गए तो यहाँ पे थ्री करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन। उसके बाद आपको सिंपल है, मोल्स गिवन है तो एट को मैं डिवाइड कर दूंगा वन से और सिक्स को डिवाइड कर दूंगा थ्री से। अब देख सकते हो तो ये एट हो गया और ये टू आ गया, ये एट ही रह गया और ये टू हो गया, तो डैट मीन्स लेस या स्मॉल ये हो गया। तो इसका मोल्स मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस वन टू इंटू इसका स्टॉइकोमेट्री टू, डैट इज फोर मोल्स इसके आंसर हो गए। देखो कितना ईजी वे में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कि हाइड्रोकार्बन हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बन के तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो अगर मैं 4 मोल्स C3H8 का ले रहा हूँ और 15 मोल अगर मैं आपका ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक है, आप चोर वर्ड याद रखेंगे। चोर वर्ड का मतलब क्या है, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन को, तब जाकर के ऑक्सीजन को, आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। तो कार्बन को पहले बैलेंस करना है, तीन है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, थ्री लगा दोगे। उसके बाद हाइड्रोजन को करना है, इधर कितना है एट, तो यहाँ पे क्या करोगे, फोर लगा दोगे। उसके बाद ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितना हो गया सिक्स और फोर टेन, तो इधर कितना करोगे फाइव, अपने आप रिएक्शन हो गए बैलेंस। तो ये भी एक तरीका दिया है कि चोर वर्ड से याद रखना है, पहले कार्बन को फिर हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन में। नाउ इसका कुछ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन, तो यहाँ पे क्या करोगे 4/1, यहाँ पे क्या करोगे 15/5, तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो लेस कौन हो गया, ये वाला, डैट मीन्स ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। तो अगर मुझे इसका मोल्स निकालना था तो क्या हो जाएगा 3, जो ये लिमिटिंग वाला था, इनटू इसका स्टॉइकोमेट्री भी 3 है तो इसके कितने मोल्स हो गए 9 मोल्स आंसर। इसका निकालना होगा तो लिमिटिंग रिजेंट वाला 3 इनटू इसके 4 है तो कितना हो गए 12 मोल्स। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना इजी वे में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, जो मोल्स गिवन है उसको डिवाइड कर देना उसके स्टॉइकोमेट्री से, और जिसका निकालना है तो उसके स्टॉइकोमेट्री को मल्टीप्लाई कर देना है लेस वाले में, बस ये ध्यान रखना। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात कि अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाए, N2H2 gives you NH3 और N2 के मैंने 6 लीटर लिए और H2 के 12 लीटर, तो अमोनिया के कितने लीटर मिलेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, वो तो गलत हो गया क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सेकेंड थिंग कि हम वॉल्यूम में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब में आपको सेम नंबर 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा मोल्स लाने के लिए, तो वो सब में सेम नंबर से डिवाइड है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट वॉल्यूम में सॉल्व हम कर सकते हैं। तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, डैट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, यहाँ पे दो है तो टू करेंगे, सिक्स हाइड्रोजन हो गए तो थ्री करेंगे और इधर वन है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम डायरेक्ट वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही जैसे मोल्स में करते हैं, तो वही, इसलिए मैंने ये पहला पॉइंट लिखा ज्ञान के बात में कि यू कैन सॉल्व मोल प्रॉब्लम इन वॉल्यूम डायरेक्टली। आप वॉल्यूम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, तो 6/1 और 12/3, तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो लेस कौन हो गया ये 4, तो इसके वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका लेस नंबर इन दोनों में जो इनटू इसका स्टॉइकोमेट्री 2, तो इसका कितना लीटर बनेगा 8 लीटर। डायरेक्ट आप वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी में सेम नंबर से डिवाइड होता तो वो कैंसिल हो जाता। नाउ सेकंड पॉइंट कि कभी भी मोल कंसेप्ट में ये भी ध्यान रखना है कि ऑलवेज मास कंजर्व होते हैं रिएक्शन में, नॉट मोल। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि इधर जितना मोल बना उतना मोल उधर ही बनेगा, मोल कभी भी कंजर्व नहीं होते, ऑलवेज मास कंजर्व होते हैं, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के भी समझा रहा हूँ कि H2O2 gives you H2O। अब अगर सपोज करो ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस हम इजीली कर सकते हैं इधर 2 लगा करके, इधर 2, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब 4 ग्राम मतलब क्या हो गया, इसका कितना मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स हो जाएंगे, और 32 ग्राम मतलब कितना हो जाएंगे 1 मोल्स। कभी भी मास में सॉल्व मत कर देना कि 4/2 कर दिया 32/1, मास में कभी भी सॉल्व नहीं करना, ऑलवेज मोल्स में या फिर आप वॉल्यूम में कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा 2/2 और इधर 1/1, तो ये भी 1 हो गया बाय द वे और ये भी 1 हो गया, तो कोई भी लिमिटिंग रीजन ले सकते हैं। तो इसका जो आप
मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 into इसका स्टॉइकोमेट्री 2, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, 32 + 4, टोटल मैंने कितना लिया था, 36 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी हमें मास उतना ही मिलना चाहिए, इसका तो 0 हुआ, इसका भी 0, कुछ बचा नहीं, ये मिला 2 मोल्स, मतलब 2 into 18, डैट मीन्स 36 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 36 + 0 + 0, डैट मीन्स 36, और स्टार्टिंग में भी 36 था, तो आप देख सकते हो मास हमारा क्या हो चुका है, कंजर्व। तो ऑलवेज रिएक्शन में मास कंजर्व होते हैं। मोल कंसेप्ट में हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे ट्रिक से मेरे, उसके बारे में आइडिया देने जा रहा हूँ। तो देखो अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और जब इसको कंबस्ट करोगे आप, डैट मीन्स बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट इज फिक्स, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा कंप्लीट कंबशन पे। अगर इनकम्प्लीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, बस डिफरेंस यही होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंप्लीट कंबशन लेते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वी नो कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरा सिंपल सा ट्रिक्स देखिए, चोर वर्ड याद रखना है। डैट मीन्स सबसे पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को। इसलिए मैंने चोर वर्ड बनाया है, कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में बन किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बहुत ही सिंपल, 3 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं तो 3 आप यहाँ लगा दें, पहले कार्बन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को करना है। हाइड्रोजन 6 है यहाँ, ऑलरेडी 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब किसको करना है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9/2, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है, 9/2 × 2 कितना हो गया, 9। तो देखो कितना ईजी वे में सॉल्व हो गया, ये ईजिली बैलेंस कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लिया हूँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप भी मेरे साथ साथ करें। देखो 4 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 to the 8 होगा, और ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इधर कितना हो गया, 8 और + 4 12, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6। ध्यान दें कि ये मैंने एग्जांपल लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ भी 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये तो ऐसा एग्जांपल आ गया कि ये हो रहा है। मेन थिंग इज कि आपको पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। हाँ, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे वाटर के आगे का कोफिशेंट अगर इवन नंबर आ रहा है, ध्यान से देखो, वाटर के आगे का कोफिशेंट अगर इवन नंबर आ रहा है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट आपको इंटीजर होगा, बट अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट ऑड नंबर है, ध्यान से देखो ऑड नंबर है, तो आपको ऑक्सीजन के आगे का कोफिशेंट फ्रैक्शन मिलेगा। इस पॉइंट को मैं आगे यूज भी करने वाला हूँ और ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है, इसको ध्यान देना। अगर वाटर के आगे का कोफिशेंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का जो कोफिशेंट है वो इंटीजर मिलेगा, और अगर ऑड है तो आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। नाउ इन जनरल सर रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो भी बता दीजिए, तो उसके लिए भी सिंपल सा पॉइंट है, वही लगाना चोर वर्ड, कि अगर इन जनरल हमें बैलेंस करना हो कि कार्बन के कुछ एक्स है, हाइड्रोजन के कुछ वाई हैं, तो कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, यहाँ पे एक्स कार्बन है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक्स लगा दूंगा, यहाँ पे वाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 आपका हो चुका है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, y/2 × 2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ से कितना मिल गया आपको, 2x, और ऑक्सीजन यहाँ से कितना मिल गया, y/2,
तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे इसका हाफ लेना पड़ेगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, और इसका हाफ कितना हो जाएगा y बाई 2 का हाफ, y बाई 4। तो ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे का कोफिशियंट x प्लस y बाई 4, क्योंकि उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y बाई 2, जो कि यहाँ से आ गया। तो बहुत इजी है बैलेंस करना, ये मेरा ट्रिक हो गया। अब इस पे बेस हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 6 लीटर आपने किसी एल्कीन का लिया है और 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसमें फॉर कंप्लीट कंबशन, तो वो एल्कीन कौन सा होगा। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप सारे एल्कीन को कंबस करा के देखें और देखें कि किसके 6 लीटर से 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर हो रहा है। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं रहता और जेई या नीट वालों को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको तो स्मार्ट पीपल चाहिए, कैलकुलेशन से उसको मतलब नहीं होता है। तो कैसे हम इसको सिंपल ट्रिक से करेंगे, तो देखिए रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक कि वी नो कि मोल ऑलवेज उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होते हैं, वैसे ही वॉल्यूम भी उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होंगे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं लूँ, सपोज करो मैंने लिया कोई भी हाइड्रोकार्बन, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो C3H8 है मेरे पास, जस्ट सपोज कर रहा हूँ, प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैलेंस कैसे करते थे, तो यहाँ पे 3 लेते थे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 करते थे, 6 और 4 10 हो गया तो यहाँ पे 5 करते थे। मेरा जो कहने का कंसेप्ट यह है कि यहाँ पे आप ऑलवेज 1 रख दो और यहाँ पे 5 है, डैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है कि इसका 1 मोल तो इसका 5 मोल, इसका 1 लीटर तो इसका 5 लीटर रिएक्ट होगा। तो वही कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर 6 लीटर आपका एल्कीन है और 27 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 27/6 डैट इज 4.5 या फिर 9/2, ये रेशियो है। एक पॉइंट और मैंने ट्रिक में दिया था कि यहाँ अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, यहाँ पे अगर ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है रेशियो वो फ्रैक्शन मिल रहा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 वाला लोगे आप हाइड्रोजन 4 वाला, तो वहाँ पे 2H2O इवन आएगा, तो ये नहीं हो सकता। वैसे ही 6 लिया तो वहाँ पे 3 आएगा, यस ये पॉसिबिलिटी है। 8 लिया वहाँ पे 4 आएगा, 4H2O, तो ये नहीं हो सकता। 10 लिया तो यस वहाँ पे 5, ये पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ऑप्शन बी या डी होगा। तो इतना फटाक से सोच लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में कौन होगा। तो एक चीज़ और देखो, जितना आप कार्बन लोगे उससे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑक्सीजन है ही कितना 4.5, 5 से कम तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 5 कार्बन है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। नाउ अगर वेरीफाई करना चाहते हो, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो, C3H6+O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। चूँकि एल्कीन बोल रहा था, यहाँ पे सारे ऑप्शन में एल्कीन था, अगर कोई एल्केन होता एल्काइन होता तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते। नाउ बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 3 है तो यहाँ पे आप कर देंगे 3, 6 है तो इसी की बात मैं कर रहा था, ये क्या आया ऑड नंबर, ये क्या आ गया ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन आने वाला है। कैसे, 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2। तो आप देख सकते हो कि ये 1:9/2 में, तो इसलिए 6:2, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यही तो पूछा था कि 6 से 27 रिक्वायर्ड है तो कौन सा होगा, तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करते हैं, देख सकते हो 1:9/2 है, ये भी 6:27 भी क्या है 1:9/2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, आपको क्या मिल रहा है 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स, 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। डैट मीन्स एक हाइड्रोकार्बन को जब बर्न कर रहे हैं तो 11 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए, जिससे 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब मोल्स है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेम नहीं मतलब वो मोल्स हैं।
नाउ एनी हाउ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोकार्बन को बन किया तो 11 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो रहा है, 4 मोल वाटर, तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा। अगेन इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबको कंबस करा के देखेंगे और वो करेंगे, उतना टाइम तो होता नहीं है। फिर से रफ़ी सर का माइंड लगाइए, देखिए कैसे करता हूँ मैं। आप ध्यान से देखो, मुझे कितना मोल चाहिए वाटर, 4, तो डैट मीन्स उधर कैसा आ रहा है, वाटर में इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 4 कब आ सकता है, जब 8 हो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 8 होंगे तो 4 H2O करना पड़ेगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो हमारा 3 ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि 4, और 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, ऑक्सीजन का जितना भी मॉलिक्यूल चाहिए उससे कम कार्बन होगा, तो आप 11 कार्बन वाले को तो आप हटा दें आप, क्यों, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, 11 ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन उससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 वाले गए तो ऑप्शन कौन बचा चाहिए। नाउ अगेन सर पे भरोसा नहीं है तो देखिए करवा देते हैं अभी फिर से, C9H8 को बर्न किया ऑक्सीजन में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज बैलेंस कैसे करेंगे, रफ़ी सर का ट्रिक, 9 है तो 9 CO2, 8 है तो 4H2O, कितने हो गए 18 और प्लस 4 22, तो कितना जाएगा 11, तो इसी को तो पूछा था उसने, यही तो खेल है। देखो 4 मॉलिक्यूल वाटर का और 11 ऑक्सीजन का, तो मैंने क्या कंसेप्ट लगाया था कि भाई अगर 4 चाहिए तुम्हें तो इसका मतलब इवन नंबर वाला है यहाँ पे, तो 8 होगा तभी 4 होगा, तो 8 वाला ये था और ये था, इसलिए ये गया। नाउ हमने ये फिर एक और लगाया कि जितना कार्बन आप लोगे इधर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपको 11 है तो कार्बन उससे कम चाहिए, तो 11 वाला तो पॉसिबल ही नहीं था, तो एक ही ऑप्शन। तो वही चीज़ है, इस बात को समझे, इस क्वेश्चन को समझे, मेरे इस कंसेप्ट को समझे, थिंकिंग को समझे कि किस तरीके से वो पूछता है। इस क्वेश्चन को नीट या जेई वालों को बनाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को वो रिएक्शन कंबस करने आ रहा है कि नहीं, बैलेंस करने आ रहे हैं, उसको इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का उसका मतलब है कि बच्चे इस प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट में कैसे थिंक कर रहे हैं, वो थिंकिंग पावर को आपका चेक करना चाहता है। नाउ एक क्वेश्चन और देखें कि आपको पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है जो कि 6 times वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उसको O2 का, खुद के वॉल्यूम का, और 4 times उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है खुद के वॉल्यूम का। तो अगेन सेम पॉइंट हुआ कि CXHY प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। अगेन देखें रफ़ी सर कैसे थिंक कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 रख दो, तो उसने आपको क्या दिया है कि 6 times इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2, O2 क्या या कोफिशिएंट कितना आ रहा है 6, क्योंकि ये अपने का 6 times रिक्वायर्ड होता है इसको, और 4 times इसका कितना दे रहा है 4, तो आप खुद ही सोचो यहाँ 4 आने का मतलब क्या है कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो x कितना हो जाएगा 4, x शुड बी 4 क्योंकि यहाँ 4 होना है। नाउ अगर x 4 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ऑलरेडी x प्लस y बाय 4 आता था, तो 4 to the 8 ऑक्सीजन हो चुका है और यहाँ भी 4 to the, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा वो यहाँ की वजह से आएगा, हमें कितना चाहिए तो सिर्फ 6 times चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, ध्यान दो 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, लेकिन वहाँ पे y बाई 4 है तो हमें कितना करना पड़ेगा, तो वो सिंपल आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x प्लस y बाई 4 है, x प्लस y बाई 4 शुड बी इक्वल टू कितना 6, x प्लस y बाई 4 शुड बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो y आ जाएगा 8, या आप ऐसे भी थिंक कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 लूँगा तो फिर 4 ऑक्सीजन होंगे और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसलिए y मतलब हाइड्रोजन का नंबर पूछा था तो आंसर विल बी 8, क्योंकि जब 4 होंगे तो यहाँ पे 4 बाई 4 कितना हो जाएगा आपका 1, तो भी ये 4 प्लस और 2 6 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एक हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CXHY दे दिया है और जिसके कंबशन से ये जो हाइड्रोकार्बन है वो 6 times ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसको और 4 times इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपको बताया था जब भी CXHY होगा प्लस
O2 होंगे तो यू विल गेट CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ जितना X होगा उतना ही यहाँ XCO2 होगा। तो इसके बारे में गिवन है कि CO2 का कितना चाहिए उसको 4 टाइम्स, इसका मतलब X की वैल्यू डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा 4। और यहाँ पे क्या आता था X प्लस Y बाई 4, तो X प्लस Y बाई 4 कितना होना चाहिए 6, क्यों, क्योंकि 6 टाइम बोल रहा है। तो यहाँ से Y कितना आ जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। तो आप देख सकते हो कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सर ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे थिंक करते हैं, तो बहुत सिंपल है, 4 मॉलिक्यूल CO2 का चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 करते तो 8 ऑक्सीजन हो जाता और 6 टाइम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। अब ध्यान से देखो 4 इसका एक्स आता ही, तो एक्स्ट्रा 4 आपका ऑक्सीजन हो रहा है, राइट, क्यों, क्योंकि 4 to the 8 प्लस 2 12, तो 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो रहा है। 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कब होगा, जब यहाँ पे 4 होंगे तो, और यहाँ पे 4 होने का मतलब कितना हाइड्रोजन 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ऑलवेज आपको इस टाइप से थिंक करना है। नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अमाउंट ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। तो ब्यूटेन लेना आपको C4H10, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे CO2 प्लस वाटर, बैलेंस 4 करना है तो यहाँ 4, 10 है तो यहाँ 5, 8 और 5 13, तो यहाँ 13/2 क्विकली बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है कि 72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, तो वाटर यहाँ ले लो 72 ग्राम, मतलब मोल्स कितना हो गया इसका यहाँ से 4 मोल्स। तो अब ध्यान से देखो हमने क्या ट्रिक आपको दिया था कि जो भी मोल्स गिवन होंगे उसके इसको स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड करो 4/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें इसका निकालना है, इसका स्टॉइकोमेट्री 1 × 4/5, तो ये आ गए इसके मोल्स, लेकिन मोल्स ने निकाल करके हमें मास निकालना है, तो मास इसका कितना हो जाएगा 58 मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बच्चे टाइम ले लेते हैं, भाई 58 है तो इसको 60 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा हमारा इजीली कट हो जाएगा, तो मैं 58 को 60 ले रहा हूँ, जिससे ये कितने टाइम्स में चला जाएगा 12 टाइम्स में, 12 फोर तक कितना हो गया 48। तो एक बात क्लियर है कि चूंकि हमने ज़्यादा लिया इसलिए आंसर हमको ज़्यादा आया है, बट जो आंसर एक्चुअल में होगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा, 48 से कम वाला कौन है, एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए वो आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन को नहीं। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि आप गैस फेज रिएक्शन को, अगर आपकी रिएक्शन गैस फेज में, दैट मीन्स सारे रिएक्टेंट गैस हैं, प्रोडक्ट गैस हैं, तो आप ऐसी रिएक्शन को वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी, मोल्स में तो कर ही रहे थे और वॉल्यूम में भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया C2H4, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए तो यहाँ 3। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसका 10 लीटर ले रहा हूँ तो इसका मुझे कितना लेना पड़ेगा 30, 1:3 रेशियो है तो यहाँ भी 1:3 रेशियो मेंटेन करना है, तो 10 लीटर लूँगा तो इसका 30 लीटर लेना पड़ेगा, इसका 20 लीटर आएगा और इसका भी 20 लीटर आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर में बात करूँ तो अगर मान लो कि मैंने इसका 2 ATM लिया तो इसका 1:3 से इसका 6 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा, इसका कितना बनेगा आपको 2 ATM और इसका कितना बन जाएगा, सॉरी 4 ATM, क्योंकि 1:2 रेशियो में 4 ATM और इसका कितना बन जाएगा 4 ATM। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और वैसे ही मोल्स की बात करें तो अगर मैं इसका 2 मोल्स लेता तो इसका मुझे 6 मोल लेना पड़ता 1:3 रेशियो, इसका 4 मोल और इसका भी 4 मोल। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में हो तो इन दैट केस आप वॉल्यूम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और मोल में तो खैर कर ही रहे थे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, एटम कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब निकालने में कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स लाया है कि आपको मॉलिक्यूल पूछ ले, एटम पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले या फिर न्यूट्रॉन पूछ ले, इस टाइप के कुछ भी पूछ ले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकाल लेना है।
फर्स्ट थिंग मोड्स निकाल लेना है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कैसे निकालना आपको, ये बहुत ईजी है। मोड्स निकाल लेंगे और मोड्स को एकदम चुपके चुपके मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपने मोल को एवोगाड्रो नंबर डेट इज 6 × 10³, जो कि कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हमने 6 ही उसको माना है, तो मोल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से तो ये आपको मिल गया मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे बात बनेगी, अगर मॉलिक्यूल पूछा तो यहीं पे आंसर को करके छोड़ देना है मोल इंटू एन ए करके। अब अगर एटम पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में फिर कितना एटम है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे H2O लेंगे तो H2O में एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो फिर इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पूछा तो आपको ये मल्टीप्लाई रहेगा मोल इंटू एन ए, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, फिर अगेन एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे यहाँ पे अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे आपसे तो आपको अगेन क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एन ए से, ये चीज़ें फिक्स होंगी मोल इंटू एन ए। नाउ एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, जैसे इस केस में लूँ तो हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन के 8, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो मोल इंटू एन ए तो रहेगा ही इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में यू नो न्यूट्रॉन होता नहीं है तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा, तो ओनली ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन काउंट होंगे और 8 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ आयंस पूछता तो भी वैसे ही आप मोल को मल्टीप्लाई कर देते एन ए से और इंटू नंबर ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल। तो ऑलवेज ये ध्यान दे कि चाहे वो एटम पूछ ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन, सब में एक ही फंडा है कि मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से इंटू नंबर ऑफ डैट पार्ट जो आपसे पूछा है इन वन मॉलिक्यूल, योर आंसर विल बी आपके सामने होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, मोल्स निकाल लो, तो वो तो निकालना ईजी है। क्या करेंगे, गिवन वेट को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिकुलर वेट से 44 से, तो यू विल गेट 0.1 मोल, आपको 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ एटम पूछा है तो हमने क्या बोला था कि आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले किससे, एवोगाड्रो नंबर 6 × 10³ से, तो ये तो आ गया इतना मॉलिक्यूल। और एटम पूछा है तो वन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का सिर्फ पूछा है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो इंटू 2। नाउ कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखो 2 × 6 = 12 हो जाएंगे, इस 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगे, 12 × 0.1, तो ये 1.2 × 10³ साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा ए, वेरी सिंपल। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की कि नंबर ऑफ सल्फर एटम आपको बताना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 0.2 मोल ऑफ एसिड। यहाँ पे आपको मोल दे ही दिया है, तो 0.2 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6 × 10³, इतने मॉलिक्यूल हो गए और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आप देख सकते हो 8, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 8, तो आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 6 = 48, 48 × 96, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 × 10³, तो डैट मीन्स योर आंसर विल बी सी। तो देख सकते हो बहुत ईजी वे में हम कर सकते हैं, सिर्फ मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, उसके बाद जो पूछा है एक मॉलिक्यूल में देख लो कि वो कितने, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.6 ग्राम वाटर, 3.6 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो पहले अगेन आप मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स आपको कितना आ जाएगा, 3.6 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो यू विल गेट 0.2 मोल्स। अब आपको क्या बोला था, क्या करना है आपको, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 × 10³ से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स, और इंटू
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ध्यान देखिए हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता तो इसलिए दो हाइड्रोजन का तो काउंट ही नहीं होगा, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो इनटू 8, तो अगेन इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 8 to the 16, 16 to the 96, तो 9.6 × 10³। सो योर ऑप्शन विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि करना क्या है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप डजन से सोचो कि अगर एक डजन में 12 पीस है, 12 पीस का मास आपको सपोज करते हैं कि 50 ग्राम है, तो एक उसमें से एक पीस का कितना मास होगा, तो आप क्या करते हो 50 को 12 से डिवाइड करते हो। तो वैसे ही यू नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल अगर मैंने वाटर के लिया, डैट मीन्स 1 मोल, डैट मीन्स 1 डजन, तो 1 डजन में इतना पीस का मास कितना है 18 ग्राम, राइट। ये तो सबको क्लियर है, जैसे 1 डजन आप ले तो उसमें 12 पीस, 12 पीस का कुछ मास होगा, तो एक पीस का कितना होगा तो 12 से डिवाइड, तो वैसे ही विनो की एने इतने पीसेज का मास कितना है 18 ग्राम, क्यों, क्योंकि 1 मोल हो गया ये, तो एक का पूछा है तो क्या करेंगे 18 को डिवाइड कर देंगे 6 × 10³ किस से 23 से, तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो ये हो गया 3 × 10⁻²³। ध्यान रहे कि ये तो आपको क्या गया ग्राम में, लेकिन आपके आंसर किस में है, सब केजी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको 10³ से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो केजी में कितना हो जाएगा 3 × 10⁻²⁶ kg। सो योर ऑप्शन विल बी ए। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनना कि एक क्वेश्चन है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो मैं एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि वन मॉलिक्यूल का मास पूछा है, क्वेश्चन देख करके एग्जाम में खुश हो जाते हैं, और कैसे करते हैं एकदम प्रॉपर अप्रोच है कि वन मॉलिक्यूल का मास पूछा है तो वी नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होगा, इसलिए एक मॉलिक्यूल का 28 / 6 × 10³। फिर उसके बाद इसको कट भी करते हैं वो बराबर शौक से इधर लेकर के कि 28 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 × 4 = 24, तो ये बच गया 4.066 × 36, फिर 4, फिर ये 0, इस टाइप से, तो उसको लिखते हैं 4.66 × ऊपर चला गया 10³ - 23, तो उसके बाद वो आंसर को ये वाले को टिक करते हैं। ये ऑलमोस्ट कितना भी वो फास्ट करे तो फिर भी 1 से 2 मिनट लेगा। नाउ द स्मार्ट अप्रोच, डैट मीन्स जो मेंस वाले हैं या नीट वाले हैं या सीटी वाले हैं उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है, उसको ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कैलकुलेटर है, उसको स्मार्ट माइंड की ज़रूरत है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो आपके अप्रोच को देखना चाह रहा है, तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। कि वेरी सिंपल कि हमको एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, वी नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होता है, एक मॉलिक्यूल का मास है मतलब बहुत कम होगा, तो पहली चीज तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 10³² है। नाउ इन तीनों में अगर बात करें तो इन तीनों में कौन हो सकता है, तो वी नो 10³² से डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो 10³ - 23 होगा, तो 10³ - 25 भी होना पॉसिबल ही नहीं है। -22 और -23 में एक बन सकते सीन, बट वी नो कि 6 जो है वो नीचे है और 28, क्योंकि जो वैल्यू है इसका मास का जो है वो 6 से ग्रेटर है, तो 10³ कम नहीं होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं यहीं पे एक अप्रोच कि वी नो कि 28 को डिवाइड करना है 6 × 10³² से, अब ये नहीं कि अब इसके पीछे आप इस तरीके से पड़ गए, उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 28 को मैं ले लूँगा 30 और 6 × 10³², इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा आंसर आया 5 × 10³² माइनस में, तो 5 के आसपास वाला यही है,
ऐसा एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, उसको मेनली आपके अप्रोच से मतलब है। तो इसलिए इस ज्ञान की बात को ध्यान दें। हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 30 सेकेंड के अंदर में कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आपको ध्यान रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यही याद रखना है, पुरानी बातें जो आपको याद है उस पर आप मिट्टी डाल देना है। अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको भी राइट ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो आपने 19th में पढ़ा है उसको आप भूल जाना है। अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका रिवर्स। बस आपको यही ध्यान रखना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सर याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए ट्रिक्स है क्या ऑयल वर्ड जो हेयर में आप लगाते हो। दैट मीन्स क्या हो गया, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस सी बात है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ऑयल वर्ड से याद रख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कि सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है क्या? तो देखो एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप ऑन द एटम। और ये किस वजह से होता है, तो उसका जो मेन रीज़न है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये चार्ज डेवलप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, तो यू नो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड बनाया तो इस पर एक माइनस वन देना है, तो इस पर एक प्लस वन देना है। ये जो चार्ज हमने लिखा माइनस वन प्लस वन, यही ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यू नो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड बनाया तो इस पर दो माइनस दो, जितना बॉन्ड उतना माइनस दे दो, तो इस पर प्लस टू आ जाएगा। फिर इधर से भी बनाया, इस पर फिर से माइनस दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर फिर से प्लस दो, तो कार्बन पे टोटल कितना हो गया, प्लस फोर। तो इस टाइप से हर एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए यह हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। ओके, दूसरा, और ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से भी चार्ज डेवलप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या सोच लेते हैं, कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा sp, और इसका क्या sp3, तो यू नो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर उससे कम sp2, फिर उससे कम sp3, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम बात करें अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बॉन्ड की जैसे इस पर माइनस वन तो इस पर प्लस वन, सिर्फ इस बॉन्ड का, बाकी इनका अगर ध्यान से देखें तो तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सब पे क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस वन, तो ये प्लस वन की जगह इस पर और कितना जाएंगे, और माइनस थ्री, तो इस पर टोटल कितना जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, डेट इज ओवरऑल कितना, माइनस टू। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज रेडॉक्स, इसके नाम में ऑलरेडी क्लियर है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई एक कंप्लीट रिएक्शन है और अगर आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स होगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाते हैं। नाउ टोटल मैं 6 पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ जिसको अच्छे से समझना है और इसको ध्यान में रखना ही है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे सिंगल एटम आपको दिख रहा हो, जैसे सोडियम कार्बन मैग्नीशियम, डेट मीन्स इसके साथ और कुछ कंपाउंड या एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो लेना है। ओके, क्योंकि कोई है नहीं तो कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं होगा। अगर सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं लाइक O2, N2, P4, H6, H2 एक्सेट्रा, चूँकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा ही नहीं, दोनों सेम एटम है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, राइट? तो ये पॉइंट नंबर वन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर कहीं पे भी कंपाउंड में दिख रहा है, ध्यान रहे कंपाउंड है, यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म है कंपाउंड, जैसे Na2SO4, राइट? तो फर्स्ट ग्रुप का है तो फिक्स है उसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका फिक्स प्लस वन। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप का कोई दिख गया, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम, कंपाउंड में ध्यान दें, तो फिर उसका प्लस टू फिक्स। एल्युमिनियम कहीं पे दिख गया कंपाउंड में, जैसे AlCl3 Al2SO4 होल थ्राइस, कहीं पे भी कंपाउंड फॉर्म में दिख गया तो प्लस थ्री उसका फिक्स है, तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, हाइड्रोजन कहीं पे अगर मेटल के साथ दिख जा रहा है, जैसे NaH, तो उसका माइनस वन, कैसे याद रखेंगे, M से मेटल, M से माइनस,
सिंपल। और नॉन मेटल के साथ दिख जाए तो नॉन मेटल मतलब नॉन माइनस मतलब प्लस, तो प्लस वन में होगा, जैसे HCl में ये प्लस वन में। तो ये पॉइंट नंबर थ्री भी क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, फ्लोरीन कहीं भी कंपाउंड में अगर दिख जाए, ध्यान रहे अगर F2 होगा तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आएगा। ये किसी और एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बना रखा है कंपाउंड फॉर्म में तो ऑलवेज माइनस वन फ्लोरीन का होगा, राइट। पॉइंट नंबर फाइव, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन जो है अनलेस आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जब तक ना पूछा जाए तब तक आपको माइनस टू ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ये सब फिक्स चीज़ें आपको लेना है जब तक कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। अगर पूछा जाएगा तो चूंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से प्लस टू तक वेरी कर सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, बट जब तक ना पूछा जाए अगर ये कंपाउंड मार रहा है तो आपको माइनस टू मान के चलना है, अगर पूछा जा रहा है तो केयरफुल हो जाना है। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर सिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हर ग्रुप के एलिमेंट का रेंज फिक्स है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन ही हो सकता है, सेकेंड ग्रुप का कंपाउंड में प्लस टू, तो ये भी हम कंपाउंड में बात कर रहे हैं। 14 ग्रुप का होगा तो माइनस फोर से लेकर के प्लस फोर तक, कैसे, क्योंकि 14 ग्रुप का है तो लास्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर चार लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, इस वजह से माइनस फोर से प्लस फोर। 15 ग्रुप का होगा तो तीन ले सकता है, लेगा तो माइनस, या पाँच दे सकता है तो माइनस थ्री टू प्लस फाइव, ये रेंज हो गया, इसके बीच कुछ भी आ सकता है। 16 ग्रुप का है तो माइनस टू से सिक्स तक में आ सकता है, 17 का है तो माइनस वन से सेवन तक आ सकता है, और 18 का है तो जीरो माइनस कभी नहीं हो सकता से लेकर के प्लस एट तक इसका रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH4, तो यू नो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का माइनस फोर है, CCl4 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का प्लस फोर है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस फोर से प्लस फोर के बीच कुछ भी हो सकता है, डेट इज माइनस थ्री भी आ सकता है, माइनस टू भी, माइनस वन, जीरो एटसेट्रा आ सकते हैं, राइट। वैसे ही 15 ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन, तो ये NH3 में माइनस थ्री है, HNO3 में ये प्लस फाइव है, तो ये एक रेंज हो गया, राइट। 16 ग्रुप में H2S में सल्फर माइनस टू है, H2SO4 में प्लस सिक्स में है, वैसे ही 17 में HCl में क्लोरीन माइनस वन में, यहाँ पे क्लोरीन प्लस सेवन में, यहाँ पे जेनॉन जीरो है, यहाँ पे जेनॉन प्लस एट है। तो ये रेंज बताने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पता लग गया है कि कार्बन कहीं पे अगर प्लस फोर में तो उससे आगे नहीं जा सकता, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट लिमिट हो गया, वैसे ही माइनस फोर में तो आप पीछे नहीं जा सकता, तो एक लिमिट फिक्स हो गई है, इससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या कौन डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा उसको पहचानने में बहुत ईजी होगा। तो एक्चुअली ये छः पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं यूज करूँगा। नाउ ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ट्रिक्स हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हो। पहला तो यह है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो अंडरलाइन एटम है उसका निकालना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का आपको बता दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन का बता दिया, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का प्लस वन ले लेंगे, क्लोरीन का नहीं मालूम है तो एक्स, क्योंकि सम करना हमें, ऐड करना है, राइट। और तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, तीन ऑक्सीजन का तो माइनस सिक्स, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, न्यूट्रल, तो जीरो, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपको, फाइव, डैट मीन्स क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस फाइव में, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया, कंपाउंड में है तो प्लस वन फिक्स, दो सोडियम है तो दो प्लस चार्ज हो जाएंगे टोटल, सल्फर का नहीं मालूम तो एक्स, चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो माइनस एट, इज इक्वल टू जीरो, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका सिक्स, इस टाइप से आपको निकालना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉस्फोरस का नहीं मालूम है, एक ही एटम है तो वन इंटू एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा, चार ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का माइनस टू तो माइनस एट, इज इक्वल टू चार्ज, जब आपको दिख रहा है माइनस थ्री, जो चार्ज जिस साइन के साथ होगा वही लिखना है, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और कुछ नहीं होगा तो जीरो, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपको, फाइव, राइट। जैसे यहाँ पे निकालना है मैंगनीज का, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया तो प्लस वन, मैंगनीज एक ही एटम है तो नहीं मालूम है तो एक्स, ऑक्सीजन का चार एटम है तो माइनस एट हो जाएगा, हर एक ऑक्सीजन का माइनस टू, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो जीरो, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, सेवन। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, दो पोटेशियम है तो दो प्लस हो जाएंगे,
क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, दो क्रोमियम है, ध्यान रहे, तो दो क्रोमियम का एक का अगर x तो दो का दो x, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक सिंगल एटम का बताते हैं, तो दो का दो x और सात ऑक्सीजन है तो माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x आ जाएगा आपको 6। ये जो x 6 आया वो एक क्रोमियम का है, दो क्रोमियम का बोलता तो टोटल प्लस 12 होते, तो ये एक तरीका है निकालने का, राइट। दूसरा तरीका है वाया स्ट्रक्चर, चूंकि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ईजी है, एग्जैक्ट शेप नहीं बनाना, बस एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें क्या करना है, चार्ज कितना देना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तो नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड कितना बनाया है उस एटम ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे H3PO3, तो आपको पी ब्लॉक में बता रखा हूँ फॉस्फोरस के कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसमें एक पी डबल बॉन्ड हो और एक पीओएच होगा ही, राइट। अब ध्यान से देखो, तो दो ऑक्सीजन अपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचा है एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बचा है तो एक ओएच और एक हाइड्रोजन तो ये, राइट। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फास्फोरस का निकालना है, फास्फोरस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे ये दो बॉन्ड तो यहाँ पे ये दो माइनस तो इस पे दो प्लस, फिर इस बॉन्ड की वजह से एक सिंगल बॉन्ड है तो इस पे माइनस वन तो इस पे फिर से एक प्लस वन, फिर इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन माइनस वन तो यहाँ पे फिर से प्लस वन, और फास्फोरस हाइड्रोजन का ध्यान से देखो तो फास्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस वन तो इस पे कितना आ जाएगा माइनस वन, तो अब इस फास्फोरस पे टोटल कितना हो गया ध्यान से देखो प्लस फोर माइनस वन डेट इज प्लस थ्री, तो इसलिए इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्लस थ्री में, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज आपको कितना लेना है, कितना बॉन्ड वो बनाया, जैसे एक और एग्जाम्पल H2SO5, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही पार्ट है ये, जस्ट आपको मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ। अब सल्फर का निकालना ध्यान से देखो, ये दो बॉन्ड तो ये माइनस दो तो यहाँ पे प्लस दो, फिर ये दो बॉन्ड तो माइनस दो तो ये प्लस दो, फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है ऑक्सीजन का सल्फर के साथ तो इस पर माइनस वन तो इस पर एक प्लस वन आ जाएगा, राइट। वैसे इसमें बात करें तो फिर से ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस हाइड्रोजन पे प्लस वन, राइट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस देना। यहाँ पे ध्यान से देखो तो सल्फर ऑक्सीजन में ये माइनस वन तो ये प्लस वन, ये ऑक्सीजन में ध्यान दे दोनों सेम है, राइट, तो इस ऑक्सीजन पे अभी कुछ नहीं आएगा इस ऑक्सीजन की वजह से, और इस हाइड्रोजन की वजह से प्लस वन तो माइनस वन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस वन आ रहा है इसलिए परऑक्सी लिंकेज की बात होती है, राइट, तो इसलिए स्ट्रक्चर से भी जाना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे सल्फर का टोटल कितना आ गया ध्यान से देखो, प्लस टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, तो यहाँ पे सल्फर प्लस सिक्स में। अगर आप सपोज करो उसको उस तरीके से निकालते जो ये वाला पॉइंट बताया, इस तरीके से निकालते तो कितना आ जाता, टू सल्फर का नहीं मालूम है एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहाँ से आता है एट, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सिक्स आ रहा है, तो इसलिए हमने वो पॉइंट नंबर सिक्स आपको बोला था, क्योंकि वी नो सल्फर का जो मैक्सिमम लिमिट है माइनस टू से लेकर के प्लस सिक्स तक है, तो कभी अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो और उसके वो हाईएस्ट से ज़्यादा आ जा रहा है तो आपको हाईएस्ट बता करके छोड़ देना है, राइट। वैसे यहाँ पे HClO3 जैसे यहाँ पे हमने निकाल रखा है प्लस फाइव, तो आप निकाल सकते हो कैसे, तो इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम ही है इसे, तो देखो ये दो बॉन्ड की वजह से प्लस दो, ये दो बॉन्ड की वजह से प्लस दो, और ये एक बॉन्ड की वजह से प्लस वन, तो टोटल कितना हो गया प्लस फाइव। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही बात है, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट एक ही बात है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसको बोलते हैं ये, तो ध्यान से देखो एजेंट बोले तो वो उसका काम करता है, राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इटसेल्फ रिड्यूस होंगे। आप कैसे पहचानेंगे, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, डैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का ही सिर्फ काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उससे आगे जा नहीं सकता, बैक आएगा, बैक आने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, तो इसलिए ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 में सल्फर प्लस सिक्स में, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। HNO3 में नाइट्रोजन प्लस फाइव में, KNO4 में मैंगनीज प्लस सेवन में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका रिवर्स हो जाएगा रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में, इसलिए हमने रिवर्स वर्ड लिख दिया। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑलवेज रिड्यूसिंग का काम करेगा, जैसे H2S में सल्फर माइनस टू में, NaCl में माइनस वन में, तो ये इससे बैक नहीं आ सकता, इसके आगे ही जाएगा। एक नंबर लाइन आप बना लें, जैसे Cl के केस में माइनस वन से प्लस सेवन है, तो अगर वो माइनस वन में तो आगे ही जा सकता है, तो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर प्लस सेवन में तो वो पीछे जा सकता है, क्योंकि ये बाउंड्री लिमिट हो गई, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग।
और अगर इन बिटवीन कहीं पे हुआ तो वो दोनों साइड जा सकता है, तो डैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन, जो भी हम बात करेंगे। नाउ आप कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो हर एक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। जैसे यहाँ पे लेड किस में है, प्लस टू में, ऑक्सीजन माइनस टू में, हाइड्रोजन यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है तो जीरो, यहाँ पे लेड सिंगल एलिमेंट है तो जीरो, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है तो प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू। तो देखो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट, तो इसलिए हम इससे नहीं पहचान पा रहे। लेड में चेंज हुआ प्लस टू से जीरो, तो क्या हो गया, प्लस टू से जीरो कम हो गया है, राइट, डिक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि प्लस टू से जीरो हो रहा है। और वैसे ही हाइड्रोजन जीरो से वन, इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो खुद वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, क्यों, क्योंकि प्लस टू से जीरो में चला गया है, तो गेन क्या है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये प्रोसेस है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जीरो से वन में लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोसेस अगर रिडक्शन है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो एजेंट रिड्यूसिंग होगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीके से पहचानना, कोई भी कन्फ्यूजन का सीन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग जो अदर को ऑक्सीडाइज करे इट सेल्फ रिड्यूस हो, उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से जीरो में कम हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे सेम एलिमेंट, ध्यान दें, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, राइट, और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर आता है तो वो डेफिनेटली आपका डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे माइनस वन में आया, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे प्लस वन में आया, तो ध्यान से देखो सेम एलिमेंट क्या हुआ, जीरो से माइनस वन रिड्यूस हो गया और जीरो से प्लस वन ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ऑलवेज लेफ्ट साइड में होंगे और उधर राइट साइड में, तो सेम एलिमेंट का देखना है अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो ये फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट, जितने भी नॉन मेटल है उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं तो डेफिनेटली वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो पहचानना ईजी है, जैसे ये क्वेश्चन देखो विच कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम आपको हर एलिमेंट का बता रखा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके बीच में आ रहा है तो वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंगनीज प्लस सिक्स में, जो कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम प्लस सेवन है तो ये शो करेंगे। वैसे ही HClO2 में क्लोरीन का प्लस थ्री आ रहा है, जो मिनिमम यूनो माइनस वन है उसका और मैक्सिमम प्लस सेवन है, उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे। HNO2 में प्लस थ्री में मिनिमम इसका माइनस थ्री होता है और मैक्सिमम प्लस फाइव होता है, उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, राइट। पॉइंट नंबर टू, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें आप, अगर किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेडॉक्स है। दूसरा, क्विकली कैसे पहचानेंगे, तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली वो नॉन रेडॉक्स होती है, जैसे ये बेस है ये एसिड, तो नॉन रेडॉक्स होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप किसी भी एलिमेंट का निकालो सबका दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगा। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट, डेट मीन्स कैटायन एन आयन एक्सचेंज वाली रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एन ए सल्फेट के साथ चला गया और मैग्नीशियम सी एल के साथ, ध्यान दें हमने रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एसिड बेस रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होती है, पहचानने का तरीका आपको क्लियर है। नाउ अप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर वन में विच कांट शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तभी आपको बताया कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन बिटवीन होगा तो शो कर सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रोमीन प्लस सेवन में, जो कि हाईएस्ट हो गया, तो ये शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है H2O2 के बारे में कि ये किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है Cl यहाँ पे किस में था, प्लस वन में, और यहाँ पे क्या पे आ रहा है, माइनस वन में, राइट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, क्योंकि ये माइनस वन से जीरो में आ गया, इसलिए यहाँ पे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड में यहाँ पे आयोडीन जीरो में है, राइट, और यहाँ पे माइनस वन में आ रहा है, अगेन ये रिड्यूस हो गया, राइट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, ध्यान से देखो माइनस वन से ये जीरो में आ गया, राइट, तो यहाँ पे आयोडीन का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग, तो दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे माइनस टू में भी तो आ रहा है, बेटा हमें दूसरे को देखना है कि वो दूसरे वाले पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसको क्या किया उसने, जीरो से माइनस वन में लिया है, डेट मीन्स इसको रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे।
सिमिलरली इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछ सकता है कि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है। यहाँ पे क्रोमियम का आपको बता रखा हूँ निकालना 6, मैंगनीज का यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 पोटेशियम है 2+, तो ये -8 तो +6 तो ये 6 है, तो कितना हो गया टोटल 19। तो ऐसे इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो वही सेम पॉइंट कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट में, यू नो H3PO4 में फास्फोरस प्लस 5 है जो कि हाईएस्ट है, तो ये दोनों का काम नहीं कर सकता, राइट। बाकी सब में यहाँ पे ये अपने इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, K2, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको बता रखा हूँ फर्स्ट ग्रुप का है तो सोचना ही नहीं है, कंपाउंड में ऑलवेज +1, तो इन तीनों में पोटेशियम का +1 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 6 में इस टाइप से रिएक्शन दे करके कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, अगेन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो टीन था +4 से +2 में, तो ये रिड्यूस हुआ, अदर को रिड्यूस करे और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो यहाँ पे ये +4 में था और यहाँ पे ये +6 में सल्फर आ रहा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएंगे, H2SO3। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन लिया, ऐसा नहीं बेटा कि बस इतने क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं वो आपको दे दिया, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स के बारे में। तो इसके दो मेजर एप्लीकेशन है, एक मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, तो उसको हम कैसे करेंगे विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, ध्यान देना विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए हुए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। दूसरा, अगर रिएक्शन को हमें बैलेंस ही करना हो और क्विकली बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। तो ध्यान से समझना, वेरी सिंपल है ये। तो ट्रिक्स का जो पहला पॉइंट है कि वैसे क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं तो उसको कैसे आप करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपको क्या निकालना पहले इक्विवेलेंट, और ये कैसे निकालना, वेरी सिंपल, मोल सभी को निकालने आता है, राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल को मल्टीप्लाई करना है एन फैक्टर से, किससे, एन फैक्टर से, तो यही आपके लिए नया है। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फॉर वन मोल, ध्यान दें वन मोल के लिए, या वन मॉलिक्यूल यू कैन से ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि ये कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, बट ध्यान रहे वन मोल लेना उसका, राइट। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक है आपके लिए, एन फैक्टर आपको किसी का भी निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसे निकालेंगे, एरो के दोनों साइड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये बता रखा हूँ, और उसको चेंज देख लो कितने का चेंज हुआ, तो डेल्टा OS मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, और ये समेशन का साइन है, मतलब हर एक एक आपको, जैसे यहाँ पे मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तो मैंगनीज का भी चेंज देखना है, ऑक्सीजन का भी चेंज देखना है, और सबको ऐड कर देना है उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम से, तो एन फैक्टर आ जाएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे मोल से तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो बैलेंस हो या ना हो, इक्विवेलेंट सेम होते हैं, हर रिएक्टेंट का जो इक्विवेलेंट होगा वही प्रोडक्ट का भी इक्विवेलेंट होगा, इन एनी रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट मीन्स जितना रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होगा, जबकि मोल में ऐसा नहीं होता है, मोल में स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपको रफ़ी सर अपने ट्रिक को अप्लाई करके बताते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका दो रिएक्टेंट दे दिया आपको और ये प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में बातें हो रही है, राइट। अगर इसके दो मोल्स लिए तो इसका कितना मोल्स, इसका कितना, इसका कितना, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, हमने क्या बोला, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले, तो यहाँ पे क्रोमियम का यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ ऑलरेडी दिख गया जो चार्ज होगा आयन पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का इधर भी आपका -2 है, सारे ऑक्सीजन का 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन का -2 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम जनरली ऑक्सीजन को चेक नहीं करते हैं। कार्बन का यहाँ पे आप निकालोगे तो +3 है, राइट, ऑक्सीजन का अगेन -2 है,
यहाँ पे कार्बन का आपका प्लस फोर है। सारे एक एक एलिमेंट का आप एरो के इस साइड वाले और एरो के उस साइड वाले का आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब हमें मालूम है कि इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे, उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा और उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मोल्स गिवन है। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, पार्टिकल दे दे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मास दे देता तो एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते, वॉल्यूम दे देता एसटीपी पे तो 22.4 से, तो एनी हाउ किसी तरह मोल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि मोल निकालने आपको आता है। तो देखो मोल है 2 इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो कैसे निकाल रहा हूँ, चूंकि हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे क्रोम में कितना है प्लस 6 और एरो के उस साइड जाना है, सेम एलिमेंट क्रोमियम क्रोमियम 3 है तो चेंज कितने का हुआ, 6 और 3 का चेंज 3 का हुआ, राइट। इंटू ध्यान से देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन इंटू नंबर ऑफ एटम, आप इसका ले रहे हो तो इसमें क्रोम के कितने आइटम है, ध्यान से देखो 2 आइटम है तो इंटू 2, राइट। और होता प्लस ऑक्सीजन का भी लेना पड़ता, बट ध्यान दो ऑक्सीजन का चेंज ही 0, इधर भी माइनस 2 है इधर भी माइनस 2 है, तो चेंज ही अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया मोल इंटू एन फैक्टर से इसका क्या आ गया इक्विवेलेंट, कितना हो गया ये 12, तो इसका मतलब इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा 12, इसका भी 12, इसका भी 12, ये फ़ायदा होता है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट हमें मालूम है 12 तो वो क्या होगा मोल जो नहीं मालूम है इंटू एन फैक्टर, अब ध्यान दे एन फैक्टर अब इसका लेना, राइट, चूंकि जिसका निकाल रहे हो उसका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कैसे लेंगे, चेंज 3 से कार्बन 4 में जा रहा है, चेंज हुआ 1 का इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 6, डैट मीन्स इसके कितने मोल रिक्वायर्ड थे 6 मोल, तो ये निकल गया। वैसे सपोज करो मुझे इसका निकालना है तो ये क्या रहेगा 12 इज इक्वल टू मोल नहीं मालूम है y इंटू एन फैक्टर, देखो चेंज तो सेम ही रहेगा चाहे इधर से या इधर से निकालो, चेंज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो 3 से 6 का चेंज 3 का हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम, इसके एटम कितने हैं एक ही दिखाएं तो एक, बस ये ध्यान रखना जिसका निकाल रहा उसी का लेना है, राइट। तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा 4 मोल, तो इसके कितने हो जाते हैं 4 मोल। अगर मान लो मुझे CO2 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं 12 इज इक्वल टू उसके मोल नहीं मालूम है z इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो अगेन कैसे चेंज 4 से 3 का कार्बन से कार्बन का तो 1 हो गया चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे एटम कार्बन के एक ही हैं तो एक होंगे, और प्लस ऑक्सीजन का भी होता बट यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर भी माइनस 2 इधर भी माइनस 2, राइट, तो चेंज ही 0 इसलिए वो 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया समेसन, राइट। तो आप कैसे निकालते, अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता है तो चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम प्लस चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 12, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 6 मोल, इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 4 और इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 12। तो देखो विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन हम ऐसे करते हैं। तो ये एक एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अब इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली कर लोगे। नाउ कुछ नॉन इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी डी ब्लॉक में बता भी रखा हूँ मैं कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा और ये तीनों मीडियम में वर्क करता है। एसिडिक मीडियम कहीं पे भी मेंशन कर दिया तो मैंगनीज +7 से +2 में आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको, राइट, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल या फेंटली एल्काइन मीडियम है तो +7 से +4 में आ जाता है, या MnO2 लिख सकते हो, और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो +7 से +6 में आता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एसिडिक मीडियम में ये 2 में आ गया तो चेंज कितना गया 7 से 2 गया तो 5, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एन फैक्टर यू कैन से वो कितना हो जाएगा आपका 5 एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में 3 और बेसिक मीडियम में 1, तो ये ध्यान रखना है इसके लिए। और जो Cr2O7-2 है डाइक्रोमेट वाले, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये खुद किस में आ जाएंगे +3 में, तो ये आपको याद रखना है ध्यान में रखना है। बाकी का क्या होगा सर, तो बाकी का वेरी सिंपल है, जनरली ध्यान दो 99% क्वेश्चन में आपको क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो 1 का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखो कार्बन +3 है तो इसका +4 में ले आना है, तो चेंज तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेकिन आइटम 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, राइट। यहाँ पे जहाँ पे भी आयरन +2 में है तो अस लग जाएगा फेरस, तो फेरिक में ले जाना, चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। सल्फर -2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉन का हो गया।
SO3 2- माइनस में सल्फर प्लस 4 में, तो प्लस 6 में सल्फेट में ले आना है। दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ध्यान से देखो, जहाँ पे हेलोजन माइनस वन में है तो जीरो में, तो चेंज तो एक का हो, लेकिन अगेन एटम देखो दो हो गए, क्योंकि कभी भी एक्स हेलोजन एक्स फॉर्म में नहीं रहेगा, एक्स टू में, लाइक सी एल टू बी आर टू, राइट। तो इस तरीके से तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एनओ टू माइनस नाइट्रोजन प्लस थ्री में, तो प्लस फाइव में आ जाएगा, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जनरली दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रहे, कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे लो से कम होना चाहिए। जैसे कहीं पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर KMnO4 की रिएक्शन SO4-2 से कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैग्नीज भी हाईएस्ट में है, राइट, और सल्फर भी यहाँ पे हाईएस्ट में, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगी। नाउ एक और एग्जांपल हमने लिया है, KMnO4 की रिएक्शन और ये Fe(C2O4) से एसिडिक मीडियम में, इसके दो मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो, KMnO4 एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना है, मैग्नीज को कहाँ ले जाना है, प्लस टू में, बस ऐसे कर देना, उसके साथ क्या लगा होगा उसका टेंशन नहीं लेना आपको, राइट। ऑलरेडी दुनिया में बहुत टेंशन है, राइट। तो ये मैग्नीज के बारे में हो गया, ऑक्सीजन का कभी भी कुछ नहीं होता, राइट, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दो, आयरन प्लस टू में, और आयरन प्लस टू में होगा तो कहाँ ले जाना है, प्लस थ्री में, तो आयरन प्लस थ्री में चला जाएगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन भी आपका प्लस थ्री में है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्लस फोर, मतलब CO2, राइट, ये आपको कर लेना है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, मोल इंटू एन फैक्टर, ये सेवन से टू में गया, चेंज हो गया फाइव का, और एटम इसका एक ही है, पोटेशियम का कुछ नहीं होगा, दोनों साइड सेम रहेंगे, ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, इसलिए नहीं लिया, राइट। तो कितने हो गए, 10, तो इसका मतलब इसका भी कितना इक्विवेलेंट होगा, 10, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल जो निकालना है इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एन फैक्टर में अगर आयरन की बात करूँ तो टू से ये थ्री में जा रहा है, तो राइट, चेंज वन का, और एटम भी इसका एक ही है, तो एक किया प्लस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी चेंज हो रहा है, कार्बन का कितना है, थ्री से जा रहा है फोर में, राइट, तो चेंज इसका भी वन इंटू नंबर ऑफ एटम, ध्यान दे टू, ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होता है इसलिए ऐसे ही रहने दिया, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू थ्री हो गया, तो एक्स कितना हो जाएगा, 10/3 मोल्स। तो देखो इस टाइप से मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, राइट, जो पूछना हो, एटम, कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि सफिशियंट है आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ किसी रिडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है, तो ट्रिक का पॉइंट ध्यान से समझ लें। पहले आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। उसके बाद सेकेंड केस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बैलेंस कर देना है सारे आइटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरे केस में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर सकते हो। चौथे में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। पांचवे में चार्ज को बैलेंस करना है वाया एडिंग इलेक्ट्रॉन। एंड छठे केस में आपको दोनों ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैग्नीज प्लस सेवन से इधर प्लस टू में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। कार्बन प्लस थ्री से प्लस फोर में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या करें, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लें। पहला पॉइंट तो एक हो गया मेरा, ध्यान से देखो, MnO4- से Mn+2, ये सेपरेट करने का मतलब हुआ। दूसरा मेरा क्या हो गया, C2O4-2 से CO2, पहला केस हो गया, इजी है, राइट, पहचान लोगे। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं। मैग्नीज एक ऑलरेडी बैलेंस है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। इधर में कार्बन दो है, एक ही है, तो यहाँ पे दो कार्बन कर देना है, तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी नहीं करना है। तीसरे केस में ऑक्सीजन को करना है कैसे, वाटर ऐड करके। यहाँ पे कितना है, चार ऑक्सीजन, तो इधर कम है, तो यहाँ पे चार वाटर ऐप ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, चार है, ऑलरेडी 2^4 हो चुका है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हो गया ख़त्म। उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर कितने हो गए, एट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 8H+ करना पड़ेगा। इधर में ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखो तो इधर कितना हो गया, 8+ का हो गया, राइट, और एक माइनस, +7 है इधर टोटल, और इधर कितना है, +2 है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कैसे, 7 में से 5 जाएगा, तो चूंकि माइनस है तो 2 2 बैलेंस हो जाएंगे।
इधर में ध्यान से देखो, माइनस टू है, इधर है ही नहीं, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो माइनस टू, वेरी सिंपल है, ये हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट क्या कह रहा है, ऐड सज्जा इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इधर दो हैं इधर पाँच हैं, तो इस पूरी रिएक्शन को आप क्या करेंगे, इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस रिएक्शन को किस से, पाँच से। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम होंगे तभी कैंसिल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 16H प्लस, राइट एरो के इस साइड वाले को इधर ही रह देना, प्लस 2MnO4 माइनस, प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन, एरो के इस साइड में 2 से सम में मल्टीप्लाई होगा, 2Mn प्लस 2 और 8H2O, ये एक हो गया। इधर आप 5 से करोगे तो 5C2O4 माइनस 2 गिव्स यू 5 to the 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, क्योंकि ये एरो के इस साइड में और ये एरो के इस साइड में, तो बस एक साइड वाले को एक साइड में लिख दो, एरो के उस साइड वाले को उस साइड में। तो कितना हो गया, ध्यान से देखो, 16H प्लस 2MnO4 माइनस, एरो के इस साइड वाले, इधर 5C2O4 माइनस 2 गिव्स यू, इधर वाले में 2Mn प्लस 2, ये 10 CO2 प्लस इधर बच गया 8H2O। तो आप क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता बेटा, समझना। ये तो आपने बैलेंस कर लिया, आप क्या कर सकता है कि अननोन कर सकता है कि H प्लस कितना चाहिए, X Y Z करके सम बताओ, राइट, इस टाइप से कुछ ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो ट्रिक का एक और पॉइंट है वो ध्यान देना है कि आपको ये सब कोफिशियंट पहले से भी पता लग सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से देखो, मैंगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में आया, डैट मीन्स 5 का चेंज है, तो इसका जो भी चेंजेज होगा, यहाँ 7 था यहाँ 2, 5 का चेंजेज है, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से देखो, क्रॉस में करना था इसलिए इधर 5 करना पड़ा मेरे को, राइट। और ध्यान से देखो, कार्बन का क्या हो गया, कितना से कितना है, प्लस 3 से प्लस 4 में, तो चेंज कितने का होगा, 1 का, राइट। तो हमें, और चूंकि यहाँ पे ध्यान देना, तो 1 का तो हुआ लेकिन एटम कितने कार्बन के, 2, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इसलिए मुझे इधर कितना करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका जो चेंज होगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका चेंज इसमें, तो इससे भी हम क्विकली ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड, आप बिना ये सब किए हुए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो रफी सर कैसे थिंक कर रहे हैं। ऐसे आपको दे दिया, ये है, ये एक्स है अननोन, ये 6 दे दिया ऑलरेडी, ये वाई अननोन, ये 6 दे दिया, ये जेड अननोन, तो एक्स वाई जेड का सम बताओ। क्विकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, विदाउट डूइंग दिस, कैसे, ध्यान से देखो, क्रोमियम यहाँ पे कितना में, प्लस 6 में, यहाँ पे कितना गया, 3 में, राइट। तो चेंज कितने का हो गया, 3 का, लेकिन एक क्रोमियम का चेंज 3 का हो, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो चेंज कितना हो गया, 6 का, राइट। तो ध्यान रहे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 6 आया, राइट। तो इसका हो गया, आयरन का ध्यान से देखो तो क्या हो गया, प्लस 2 से प्लस 3 में, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, तो यहाँ पे वाई की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2, तभी क्रोमियम बैलेंस होंगे, और इसका 2 से 3 में चेंज 1 का हुआ, इसलिए इधर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ H प्लस की बारी है, तो ध्यान से देखो, इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 7, राइट, और इधर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब Z को कितना होना पड़ेगा, 7, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, राइट। तो 7 हो गया H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर ध्यान से देखो, 14, और इधर था ही नहीं, तो X कितना हो जाएगा हमारा, 14, तो समझते हुए चलो, तो तुम्हारा X आ चुका कि नहीं, X कितना था, 14, Y आ गया कि नहीं, कितना, 2, और Z आ गया कि नहीं, कितना, 7, तो कितना हो गया आंसर, 23, विदाउट बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2IO3 माइनस XI माइनस 12H प्लस गिव यू 6I2 प्लस 6H2O X बताना है। तो ध्यान से देखो, विदाउट सेपरेट आप कैसे कर सकते हो, एक तो सेपरेट करके कर ही सकते हो, उसमें टाइम जाएगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोडीन का देखो ध्यान से, प्लस 5 में, और इस साइड ये किस में, 0 में, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। बट ध्यान रहे, आयोडीन का एटम कितना, इधर देखो तो 2 या इधर भी 2, तो एक एटम का चेंज 5 है, दो एटम का कितना होगा, 10, तो इधर 10 का जो चेंज हुआ वो हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगी आपको, 10। अगर मान लो इधर का चेक करना, तो i माइनस 1 से 0 में गया, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का, बट एटम कितना है, 2, इसलिए ध्यान से देखो ये 2 आया, राइट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस 1 से 0 एक एटम का, 2 एटम बना है तो, राइट, तो 2 का, तो इसलिए ये 2 करना है। वैसे भी आप देख सकते हो, 2 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 12 हो गया आयोडीन, तो इसलिए 6 to the 12, तो ये बैलेंस है, राइट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, 6 ऑक्सीजन, तो 2 3 10 6 ऑक्सीजन, वो भी हो गया, 6 to the 12 हाइड्रोजन, ये भी 12H+ हो गए, तो राइट। तो देखो डायरेक्ट हमने X को कर दिया।
तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको क्लियर होगा। मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिया बेटा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप कर सकते हो। ये एक ऐसी ट्रिक है बेटा जिससे आप इजीली इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो अब आप सारे PYQ को कर लेना, आई होप आपसे सब हो जाएंगे। थैंक यू।